हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफाली और आप सभी का वेलकम करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शेफाली की दुनिया में। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं गुलाब के फूलों जैसी बहुत ही खूबसूरत सी लटकन, जिसको आप अपने सूट और ब्लाउज़ में लगा सकते हैं। तो देखिए कि ग्रीन कलर का सूट मैंने स्टिच किया हुआ है और ग्रीन में गोल्डन ये वर्क हो रहा है, इस वजह से मैं इसमें गोल्डन डोरी यूज़ करने जा रही हूँ। सिर्फ आप एक नॉर्मल सी डोरी भी ले सकते हैं, कपड़े की डोरी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं या रेडीमेड डोरी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी कलर की डोरी ले लीजिए। और देखिए कपड़े की लंबाई में बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने 28 इंच की लंबाई ली है और 4 इंच की इसकी चौड़ाई है। देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा कट कर लिया। 28 के अलावा आप 26 भी कर सकते हैं और 30 भी कर सकते हैं, तो 2-4 इंच का बढ़ा घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए यहाँ पर कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें पहले एक सिलाई लगा सकते हैं, मैं करती रहती हूँ तो मुझे आदत है, तो मैं बिना सिलाई के भी काम अपना कर लूँगी, कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। अगर आप एक सिलाई इसमें ऐसे लगा लेंगे पहले, तो कपड़ा जो ऊपर नीचे का दोनों पड़ते हैं ना, तो ये इधर उधर भागे कि नहीं आपको आसानी होगी करने में। तो इसमें क्या करना है, हमें प्लेट्स डालनी है कुछ इस तरीके से। देखिए बराबर बराबर कपड़ा इस तरह से उठाना है, इस तरह से देखिए जिस तरह से मैं आप दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे आपको उठाना है कपड़ा और 2-3 प्लेट सेट कर लीजिए उंगलियाँ दबा के, और फिर आप इसमें सिलाई लगा दीजिए। फिर 2-3 प्लेट्स लगा लीजिए, फिर इसमें सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से पूरी पट्टी में हमें अपनी इस तरह से प्लेट्स भर लेनी है। और गाइस, अगर इस तरह के लटकन आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लटकन कैसे बने। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप कपड़े की भी डोरी बना के इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ब्लाउज़ वगैरह में इस तरह के लटकन बहुत ही अच्छे रहते हैं। देखिए एक तो ये आपको लेटने बैठने में चुभेंगे नहीं, जैसे बड़े बड़े मोती वगैरह होते हैं और बहुत से मार्केट में लटकन आते हैं जो आपको चुभते हैं, जिनको पहनने पे देखने में तो वो सुंदर लगते हैं लेकिन साथ में जब लेटते हैं बैठते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये वाले जो लटकन आप घर पर फैब्रिक के लटकन बनाते हैं, ये सॉफ्ट भी होते हैं, आपको चुभते भी नहीं हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये वाले लटकन थंबनेल में आपने देख लिया होगा, कितने प्यारा बिल्कुल बुके टाइप का एक गुलाब का फूल बना हुआ है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और रियल में भी सच में गाइस बहुत ही सुंदर लटकन बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी आपसे बात करते करते इसमें प्लेट्स लगा ली हैं और इसमें 10 इंच की ये बन गई है। और ज़रूरी नहीं कि आपकी पट्टी भी 10 इंच की बने, देखिए आप 10 भी बन सकती है और 8 भी बन सकती है और 12 भी बन सकती है, कोई बात नहीं। बस हमें क्या करना है, जितनी पट्टी हमारी बनी है उसको हाफ़ कर लेना है। और अगर आपका पूरा कपड़ा इतना बड़ा नहीं है, लंबी स्ट्रिप नहीं है आपकी कटिंग, जैसे कतरन से आप बनाते हैं जो ब्लाउज़ के पीस में छोटे बहुत पीस निकलते हैं, तो 2 छोटी छोटी पट्टियाँ भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पट्टी मैंने ले ली है, ये 5-5 इंच की 2 हैं, तो यहाँ पर मैंने सुई में 4 लेयर का धागा डाल लिया है और यहाँ पर धागे में ये जो डोरी है ना हमारी, इसको अटैच कर लेते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा अच्छे से 3 से 4 बार आप नॉट लगा के अच्छे से बांध दीजिए, ताकि ये इन फ्यूचर कभी वॉश वॉश करने पर आपकी खुले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डोरी को अच्छे से बांध लिया है। अब क्या करना है, इस डोरी को इस तरह से पकड़ना है और अपनी जो ये स्ट्रिप हमने ये बनाई है ना प्लेट्स वाली पट्टी, तो इसमें इस तरह से अटैच करनी है। ये वैसी होती है जैसे कि हमारे गुलाब के फूल के नीचे की डंडी होती है ना, तो वो काम करेगी ये हमारी डोरी। तो इस तरह से देखिए हम एक एक बार इसको पलटते जाते हैं और ये नॉट लगाकर इसको मजबूत भी करते जाते हैं। इस तरह से एक बार पलटेंगे, फोल्ड करेंगे और इसमें डोरी भी साथ में मैं ले रही हूँ सुई में, डोरी और कपड़ा जो हमारा है सबको मैं साथ में लेते हुए इसको एक एक बार सुई से बांधती जा रही हूँ, ताकि ये काफ़ी अच्छे से मजबूती से सेट हो जाए, खुले नहीं और टाइट भी हमें बांधना ही नहीं कि हम मतलब ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर कर दिया, हमें टाइटली इस तरह से इसको बांध देना है। और पूरा फ्लावर जो हमारा इस तरीके से देखिए ये बंध के तैयार होगा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने खूब टाइट से अच्छे से बांध लिया है मजबूती के साथ, और ये जब ये अच्छे से बंध जाएगा इसके 2-3 बार इसमें मैं नॉट भी लगा दूँगी ताकि ये कभी खुले नहीं। तो 2-3 बार देखिए अच्छे से मैंने नॉट लगा दी है, फ्लावर हमारा अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर 5x5 का एक चौकोर पीस मैंने इस तरह से कट कर लिया है, 5 इंच की इसकी लंबाई है, 5 इंच की चौड़ाई है, तो चौकोर पीस हमें चाहिए। और इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, देखिए तिरछे में मैंने ट्राइंगल शेप बनाते हुए इसको रखा है, और यहाँ पर देखिए जो ट्राइंगल का तीसरा बड़ा पार्ट होता है ना, तो डोरी को इस तरह से रखेंगे, ऊपर वाले 2 सिरे जो हैं वो
डोरी के ऊपर साइड को रखेंगे और इस पे हम इस पे अपनी सिलाई लगाएंगे। सिलाई देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। तो उधर साइड मैंने काफ़ी सारा कपड़ा छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई कम्प्लीट कर ली है, अब इसी को पलट कर मैं यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा दूँगी। डोरी हमारी अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए इसलिए हम डबल सिलाई भी इसमें लगा रहे हैं। और गाइस चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, सॉरी थोड़ा सा कपड़ा बोलने में दिक्कत सी हो गई, कपड़ा लिया था तो उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर इसमें सिलाई लगा देती हूँ, ठीक है। और इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, जिससे कि जैसे कभी कभी क्या होता है ये कप धागे निकलते हैं फिर वो बाद में बुरे से लगते हैं, कितना बाद में ठीक करेंगे। तो ये बाद में ये धागे की प्रॉब्लम होती है ना कपड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरलॉक वगैरह तो करते नहीं हैं, ये कपड़ा बाद में खिंचता है, इधर उधर से धागे रेशे निकलते हैं, तो ये इधर से आगे से फोल्ड कर देते हैं ना तो फिर ये ऊपर दिखता नहीं है, निकले धागे सुंदर लगता है कपड़ा, मतलब यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क हो रहा है। अब हम इसको सीधा कर देते हैं इस तरीके से, ये देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया है। तो ये इस तरह से हो गया, जैसे कि हम बुके वगैरह बनवाते हैं ना तो ऊपर से एक पॉलीथीन चढ़ी होती है, तिकोना कोन सा बनता है, तो वो कोन वाला काम ये करेगा जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी और ऐसा लगेगा हमारा गुलाब का फूल बंधा बंधा सा बड़ा सुंदर सा है। अब इसको जो ये फूल कवर कर लिया, अब इसको थोड़ा सा इसकी पेटल्स हम खोलेंगे ताकि ये थोड़ा सा अधखिला सा फूल सा दिखाई दे, बहुत ज़्यादा खिला भी नहीं और बहुत बंद बंद सा भिजा भिजा सा भी नहीं लगेगा, थोड़ा अधखिला सा फ्लावर ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी हमारा लटकन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप चाहे तो बीच में इसमें कोई मोती वगैरह भी यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं, सुई धागे से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक हमने और एक कपड़ा लिया है, ये भी 5x5 का ही है और इसमें हम यहाँ पर लटकन में अपने इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर बस हमें ध्यान देना होगा कि ये दूरी हम जो हम यहाँ पर ले रहे हैं इसको आप चाहे तो नाप लें या फिर अपनी उंगली से अंदाजे से रख लें, तो जो दूसरा लटकन होगा उसको भी हमें इसी तरीके से यहीं पर सेम साइज पर इस तरह से स्टिच करना होगा ताकि हमारा जो दोनों लटकन हो सेम साइज़ के ही दूरी पे बने। तो यहाँ पर भी हम ऊपर साइड जो है कपड़ा अपना फोल्ड कर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, देखिए लगा दिए मैंने। और कट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है, साथ के साथ काट लूँगी। और यहाँ पर इतनी ही दूरी पर एक ऊपर मैं लटकन इस तरह से लटकन को थोड़ा हैवी लुक देने के लिए एक पत्ती सी और स्टिच करूँगी यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। तो दोनों पट्टियाँ मैंने स्टिच कर ली हैं, दोनों को मैं सीधा कर लेती हूँ। जो ये बेल है बनती है ना, इन्हें बेल वाला लटकन भी बोलते हैं, तो ये घंटी सी एक बन जाती है, घंटी के नीचे घंटी, घंटी के नीचे फ्लावर। तो इस तरीके की दो घंटियाँ मैंने बना दी हैं बेल, और उसके नीचे हमारा गुलाब का फूल है। आप चाहें तो इसमें फूल पत्ती कुछ मतलब अलग से भी बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, इसको और हैवी लुक दे सकते हैं, या फिर 4-5 बेल लगा सकते हैं तो ये और हैवी हो जाएगा। तो दिखा देती हूँ मैं आपको दोनों पीस अपने। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा फ्लावर तैयार हो चुका है, लटकन फ्लावर वाले लटकन रोज़ पेटल के, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बिना खर्च में आपके तैयार हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।